25-30 है। पूरा राजस्थान गर्मी से झुलस रहा है और उसमें पश्चिमी जिला बाड़मेर और ज़्यादा तापक्रम में ग्रस्त है। ऐसे में पूरे ज़िले में पानी और चारे की समस्या को लेकर के श्री कुंभाराम आर्य फाउंडेशन ने पूरे ज़िले में यह निश्चय किया कि सरकार को इसके लिए ज्ञापन दिया जाए, जागृत किया जाए कि ऐसे में जब भयंकर अकाल की मार हो, ऐसी ज़बरदस्त गर्मी हो, तो किसानों के पास न तो चारा है और न पशुओं के लिए पीने के लिए पानी। कुंभाराम आर्य फाउंडेशन ने आज जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर यह मांग की है कि जल्दी से जल्दी पशुधन को बचाने के लिए निःशुल्क चारे और पानी की व्यवस्था कराई जाए। आज ही पूरे ज़िले के 17 ब्लॉक्स में हमारे ब्लॉक संयोजकों ने BDO, तहसीलदार और वहां के अधिकारियों को पूरे ज़िले में ज्ञापन सौंपे हैं ताकि पशुओं के लिए हम कुछ कर सकें। यदि समय रहते सरकार इस संबंध में नहीं चेतती है तो कुंभाराम आर्य फाउंडेशन, जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन है, वो समय आएगा जब पशु इन सड़कों पर आएंगे और मूक पशु रैली के रूप में सामने आएंगे और वो कहेंगे कि हमारे लिए चारे और पानी की व्यवस्था की जाए। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि इस झुलसती गर्मी में जहां पारा 48-49 पर जा रहा है, न चारे की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है, तो ऐसे में शीघ्रातिशीघ्र पूरे ज़िले में ग्राम पंचायतों पर निःशुल्क चारे और पानी की व्यवस्था की जाए ताकि हम पशुओं को बचा सकें और किसानों का जो मूल रोजगार है, जो मूल आधार है पशुधन, उसको बचाया जा सके।